अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में, मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी शिद्दत पसंद और मुस्लिम मुखालिफ तंजीमों ने मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के मुसलमान दुकानदारों को अपनी दुकान बंद करके शहर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उत्तरकाशी के परोला इलाके में गुज़िश्ता माह एक हिंदू लड़की को भगाने के इल्ज़ाम में दो अफराद को गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें से एक का नाम उबैद खान है जबकि दूसरे का नाम जितेंद्र सैनी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में हालात ख़राब हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजमीन में जितेंद्र सैनी भी शामिल है, मगर हिंदू शिद्दत पसंदों ने सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी है। दाएं बाजू के ग्रुपों की जानिब से मुनाकिदा एहतजाज के बाद शिद्दत पसंदों ने मुसलमानों की बंद दुकानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। उस पोस्टर के ज़रिए उन्हें 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपना कारोबार बंद करने और शहर छोड़ने की धमकी दी गई है। बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। कई जगहों पर दुकानों पर सियाह क्रॉस के निशानात भी बनाए गए हैं। पुलिस को पीर के रोज़ लगाए जाने वाले पोस्टरों के बारे में जब मालूम हुआ तो उन्होंने उन पोस्टरों को तमाम जगहों से अब हटा दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले का नोटिस लेते हुए नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने दुकानों से पोस्टर्स भी हटा दिए हैं। और जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया के ज़रिए और दूसरी हिंदुत्ववादी तंजीमों के ज़रिए से जहर घोलने का जो सिलसिला जारी है, उसके संगीन नतायज जो है वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन हुकूमतें और इंतजामिया वो लगातार खामोशी हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़ियात वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। और मणिपुर की कुकी बरादरी के लोग आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गए और उन्होंने मणिपुर में जारी तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर कुकी की जिंदगियां बचाओ जैसे पैगाम जो है वो दर्ज थे और वो नारे लगा रहे थे। पुलिस का कहना है कि चार मुजाहरीन को मीटिंग के लिए वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह में दाखिल होने की इजाज़त दी गई और बाकी को जंतर मंतर मुंतकिल कर दिया गया। वह बता दें कि मणिपुर में एक माह कब शुरू होने वाले नस्ली तशद्दुद में कम अज़ कम 98 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 310 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और रियासत के 272 रिलीफ कैंपों में इस वक्त कुल 37,450 लोग पनाह लिए हुए हैं। 3 मई को मणिपुर में पहली बार झड़पें शुरू हुई थी जब पहाड़ी अजला में मेथी कम्युनिटी की तरफ से शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के मुतालबे के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए कबायली यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया था। उसके बाद से लगातार वहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे थे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला अमित शाह भी वहाँ पहुँचे थे और अमन अमान की अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरीके से कहा जाए तो ये मोदी हुकूमत की से नाकामी करार दिया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और गरीबों, पहलवानों, जवानों और किसानों की से कोई परवाह नहीं है। ख्याल रहे कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने कम से कम इमदादी कीमत का मुतालबा करते हुए दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे पर जाम लगा दिया था। जब किसानों ने शाहराह नहीं छोड़ी तो रात 9 बजे के करीब पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई में 10 किसान जख्मी हुए हैं जो कि अस्पताल में अब दाखिल हैं। इस वाक़े पर कांग्रेस ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। हमारी मांग है सूरजमुखी फसल की MSP पे खरीद की जाए, ना सिर्फ हरियाणा में मगर उत्तर भारत में। हमारी मांग है कि कल जितने किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए, जिन किसानों को गंभीर रूप से चोट आई है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता डिक्लेयर की जाए, और MSP की कमेटी जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सामने आकर जिसका वादा किया था कमेटी बनेगी, उस कमेटी को ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन करके तुरंत MSP को लीगल गारंटी दी जाए। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। तहम इस मीटिंग से पहले पहलवानों ने वाजह कर दिया है कि वो BJP के रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग एसोसिएशन के सदर ब्रिज भूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए खुद मदु किया था। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक ट्वीट कर कहा था कि हुकूमत पहलवानों से बातचीत करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। इससे कबल पहलवानों ने अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद कई तरह की अफवाहें जो है वो गर्दिश करने लगी थी। कहा जा रहा था कि पहलवानों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है, लेकिन पहलवानों ने बाद में एहतजाज वापस लेने की खबरों को महज अफवाह करार दिया और उसे गोदी मीडिया का खेल करार दिया। और उन्होंने कहा था कि उनका एहतजाज इंसाफ मिलने तक जारी रहेगा।
अब देखना आम होगा कि अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों के एहतजाज में क्या नया मोड़ सामने आता है। सीबीआई ने गुज़िश्ता रोज़ उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को हुए खौफनाक ट्रेन हादसे की जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी ने कहा कि ट्रेन हादसा मामले में एक FIR दर्ज की गई है। साथ ही अफसर ने बताया कि सीबीआई ने पहले से ही कटक में बालासोर GRP थाने में दर्ज मामले की जाँच भी अपने हाथ में ले ली है। हादसे की जाँच के लिए सीबीआई की 10 रुकनी टीम उड़ीसा पहुंची हुई है। वहीं इसको लेकर अपोजिशन लगातार वज़ीर आज़म और मरकज की मोदी हुकूमत पर हमलावर है। उनका कहना है कि सीबीआई जांच सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है। मध्य प्रदेश हुकूमत के एक अफसर पर मंगल को चंद शिद्दत पसंद हिंदुओं के ग्रुप ने हमला कर दिया और उन पर स्याही फेंक कर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अदरे के मस्कुरा सरकारी अफसर दमोह के प्राइवेट स्कूल में हिजाब के तनाज़े से मुतालिक एक मामले में तहकीकती टीम का हिस्सा थे। दरअसल गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में जब हिजाब को लेकर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई तो फिर ये तहकीकती टीम का हिस्सा थे और उनकी तहकीक में उन्होंने ये बताया था कि जो इल्ज़ामात स्कूल पर लगाए जा रहे हैं कि हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन वहाँ किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें तहकीकात में साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों से बातचीत की, बच्चों के वालदेन से बातचीत की और स्कूल इंतज़ामिया से भी बातचीत की, तो जो कुछ सामने आया उसके नतायज यही थे कि वहाँ पर इस तरह की कोई वाक़ा जो है इस तरह का वहाँ कोई पेश नहीं आया। लेकिन उसको लेकर जो है BJP और हिंदुत्ववादी तंजीमों को मिर्ची लग गई, उसके बाद उन्होंने जो है उस अफसर पर स्याही फेंक दी। वहीं अब यह खबर सामने आई है कि स्याही फेंकने वाले 3 BJP के अहदेदारों को जो है उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि हिंदुत्ववाद तंजीमों ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वहाँ हिजाब पहनकर हिंदू तालिबात को स्कूल में आने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उसके बाद स्कूल इंतजामिया ने वाज़ह किया कि स्काफ को हिजाब समझकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। दरअसल स्काफ स्कूल का यूनिफॉर्म का हिस्सा है और उसे भी पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता, लेकिन हिंदुत्ववाद तंजीमों ने जो है वो उसके बाद काफ़ी हंगामा खड़ा किया था। लेकिन उनके तमाम जो प्रोपेगेंडा था वो धरे का धरा रह गया जब तहकीकती टीम ने कहा कि इस तरह की कोई बात वहाँ नहीं हुई है। BJP रहनुमा और इश्तियालंगेज बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में रहने वाले TRaja Singh इस वक्त ज़मानत पर बाहर हैं। उन्हें अदालत ने उस शर्त पर ज़मानत दी थी कि वो नफरत अंगेज़ बयानबाजी से दूर रहेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके नज़दीक पुलिस और अदलिया की कोई वक़ात नहीं है। वो लगातार हिंदुत्ववादी तंजीमों के प्रोग्राम में शिरकत कर मुसलसल जहर उगलने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदू ख़वातीन पर जोर दे रहे हैं कि वो बुरका पहनने वाली ख़वातीन से दोस्ती न करें। MLA ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुओं को अब मुस्लिम मर्दों के साथ साथ ख़वातीन से भी खतरा है। एक समय था अफताब से हमें खतरा था, अब तो आयशा से भी खतरा है हमें। यही आयशा मिला रही है अफताब से, राष्ट्रीय फैल में वही बताया गया। एक आयशा मिलती है हिंदू लड़कियों से, दूसरे से मिलाती है, तो हमें सावधान उनसे भी रहना है ना। सब चीज बाजू रखकर हिंदुत्व के लिए हमें कार्य करना है, हम सब हिंदू है ना। तो नाज़रीन अब बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ। कशीदा ताल्लुकात के दरमियान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ईरान और इलाकाई सलामती से लेकर तेल की कीमतों तक के मसाइल पर बरसों के गहरे इख्तिलाफात के बाद रियाद के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मिशन पर मंगल को सऊदी अरब पहुँचे। 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात में सूडान से अमरीकियों के इनखिला के लिए सऊदी अरब की हिमायत और यमन में सियासी मुज़ाकरात की ज़रूरत और इसराइल के साथ ताल्लुकात के मामूल पर लाने के इम्कानात समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर बात हुई। ब्लिंकन ने इसराइल नवाज लॉबी अमरीकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी AIPAC से एक तकरीर में कहा कि अमरीका का इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने में हकीकी कौमी सलामती का मफाद है। ईरान ने अपने पहले मकामी तौर पर तैयार करदा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिज़ाइल फत्ताह की रोनमाई कर दी है। ईरान की जानिब से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिज़ाइल की रोनमाई तेहरान की मिज़ाइल सलाहियतों के बारे में मगरबी ममालिक के खदशात को मज़ीद बढ़ा सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया ने फत्ताह नामी मिज़ाइल की तस्वीर शाये की है। मिज़ाइल की तस्वीर एक तकरीब के दौरान ली गई थी जिसमें सदर इब्राहिम रईसी और ईरान के एलिट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडरों ने शिरकत की। फतह हाइपरसोनिक मिज़ाइल 1400 किलोमीटर रेंज में हदफ को निशाना बना सकता है और ये तमाम दिफाई निज़ामों को नाकारा बनाने की भी सलाहियत रखता है।
हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज तर परवाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। गुज़िश्ता साल इस्लामी जमहूरिया ने कहा था कि उसने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है। वहीं अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की मुखालफत के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ने कहा कि वो अपने दिफाई मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद जिद्दत देगा। ताहम मगरबी अस्करी तजियाकारों का कहना है कि ईरान बाज़ औक़ात अपनी मिसाइल सलाहियतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए हैं। फायरिंग के वक्त स्कूल में ग्रेजुएशन की तकरीब के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वहीं पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के बाद 19 साल मुश्तबा नौजवान को गिरफ्तार करके उसके पास से 4 हैंड गन्स बरामद कर ली गई हैं। मज़ीद तहकीकात इस सिलसिले में जारी हैं। फायरिंग से हलाक अफराद की उम्रें 18 और 36 साल हैं और फिलहाल उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। तो नाज़रीन ये खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।